हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीज़ा एंड वेलकम टू ऑल इन माय किचन अजीज़ा की रसोई। आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ मिक्स रायता की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो बिना लेट करते हुए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 600 ग्राम दही ले रही हूँ, 5 टेबल स्पून शुगर और 1/2 टी स्पून सॉल्ट ले रही हूँ, और 1/2 टी स्पून मैं यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट ले रही हूँ, 1 टी स्पून यहाँ पर मैं चाट मसाला पाउडर ले रही हूँ, और यहाँ पे 1 टीस्पून मैं वाइट पेपर पाउडर ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर ले रही हूँ, और 1/2 टीस्पून 1/4 टीस्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर ले रही हूँ। और इसे डाल करके इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप एक बार ज़रूर टेस्ट करके देखें, अगर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा लगती है तो आप अपने चॉइस की अकॉर्डिंग आप डाल सकती हैं टेस्ट के अनुसार। और यहाँ पे मैं 1 कप अनियन ले रही हूँ, उसे रफली चॉप कर ली हूँ इस तरह से, और यहाँ पे 1 कप कुकुम्बर ले रही हूँ, और यहाँ पर 1 कप मैं यहाँ पर टमाटर ले रही हूँ जिसकी जो पानी है अंदर का जो पार्ट है उसे हटा दी हूँ, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली ले रही हूँ मिक्स करके, रेड और ग्रीन चिल्ली वाली ग्रीन वाली, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अगर आप इसकी जो थिकनेस है वो आपको ज़्यादा लगेगी तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे थोड़ा सा पतला कर सकती हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे आप सर्व कर सकते हैं बिरयानी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ से आप इसे सर्व कर सकती है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही जल्दी ये बन करके तैयार होती है। आप चाहो तो इसमें कैरेट भी मिला सकती हैं, कुछ भी आप मिला सकती हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।